लेकिन इस भेदभाव को खत्म करने के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट का होना बहुत लाजमी है। क्यों ना हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो जम्मू के काज की बात करती हैं, 2021 के इस वर्ष को जम्मू के कॉज के लिए डेडिकेट करें। देखने में यह आ रहा है कि बीजेपी की हुकूमत में भी लगातार कश्मीर की पैंपरिंग हो रही है, लद्दाख की पैंपरिंग हो रही है और जम्मू की अनदेखी बदस्तूर जारी है। हाल ही में होम मिनिस्टर द्वारा फिर से एक इनविटेशन दिया गया है लद्दाख के लीडर्स को, जिसमें वहां के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और चर्चा हो रही है कि लद्दाख की जमीनों को बचाया जाएगा, लद्दाख के जॉब्स को बचाया जाएगा, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, डेवलपमेंट के लिए पैकेज, एम्प्लॉयमेंट के लिए पैकेज, स्मार्ट सिटीज, कश्मीर के लिए भी पैकेजेस सरकार ने ऐलान किए। जब आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ तो ये कहा गया कि कश्मीर में केंद्र की टीमें गई, उन्होंने कहा प्रोफेशनल कॉलेजेस खोलने की बात की, एम्प्लॉयमेंट वहाँ क्रिएट करने की बात की गई और उसके बाद केंद्र ने MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कश्मीर में जारी की, उसको वहाँ लागू किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर वहाँ का सेब खरीदा, वहाँ का अखरोट खरीदा, वहाँ का सैफरन खरीदा और 5,000 करोड़ का एक पैकेज जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया, नेफेड के थ्रू जो है उनके प्रोड्यूस को जो है वो प्रोक्योर किया गया कश्मीर में। अभी भी प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि कश्मीर को सैफरन जो है उसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाएगा। जम्मू की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ का भी सैफरन है, यहाँ डोडा और किश्तवाड़ में यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे डूडू बसंतगढ़ जैसे या अपर रीचेज हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ भी होता है सैफरन, उसकी बात नहीं होती। यहाँ के किसान की बात नहीं होती, यहाँ के किसान के लिए MIS लागू नहीं किया गया, यहाँ के नौजवानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई जो है मुलाजमत के लिए बात नहीं हो रही है। हमारा शेयर जो है आर्टिकल 370 के बाद भी कश्मीर को जा रहा है, जो एक दो लिस्टें निकली है उसमें सीधे सीधे ये साबित हो गया है कि जम्मू की अनदेखी जो है यहाँ के नौजवानों के साथ भी हो रही है, उनकी बात तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कश्मीर के लीडर्स को भी आप बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन आज तक पिछले 7 वर्षों में जब से बीजेपी की भी हुकूमत आई है, जो चैंपियन अपने आप को कहती थी जम्मू के काज का, एक बार भी जम्मू के लोगों से बातचीत करने के लिए तक उन्होंने नहीं बुलाया, यहाँ के लोगों की सुनवाई तक नहीं हो रही है। यहाँ के टोल प्लाजा के ऊपर टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, 4G कनेक्टिविटी हमसे बिना किसी वजह के छीन ली गई, हमारे स्टेट हमसे छीन ली गई, जम्मू के लोगों को सिर्फ सजा दी जा रही है और कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की पैंपरिंग हो रही है। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी तक ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू के लोगों को खुद खड़े होना होगा और इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ तमाम बुद्धिजीवियों से, सिविल सोसाइटी से, स्टूडेंट से, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जो दम भरती हैं जम्मू के लिए, आइए हम सब मिलकर प्रयास करें, संघर्ष करें। पैंथर्स पार्टी ये कॉमन प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करवाने के लिए तैयार है। वी आर प्रिपेयर टू प्रोवाइड यू अ कॉमन प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट ऑल बायस perpetuated against Jammu region and this has to be unitedly fought. मेरी विनती होगी ये हाथ जोड़कर कि जो लोग जो हैं वो बयानबाजी तो बहुत करते हैं, लेकिन आइए हमारे साथ मिलजुल कर इस लड़ाई को आगे ले जा सके ताकि जम्मू के लोगों को न्याय मिल सके और यहाँ के आवाम को उनका अधिकार मिल सके।